मोहब्बत सतरंगी है। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे, कभी तुम भी कॉल कर लिया करो। ऑफ कोर्स। टीना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों, मैं नहीं आ सकता यहाँ पे? साकिब, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं आना चाहिए था साकिब को यहाँ? आरिस भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? How are you? I'm perfectly good, fit, fine. लेकिन आपकी बहन कुछ नाराज नजर आ रही है आज। और रूठों को जितनी जल्दी मना लिया जाए उतना बेहतर होता है। और उन रिश्तों के बारे में आप क्या कहेंगी माजबीन, जो पहले से ही टूटे हुए हो? हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारे या मेरे कहने से टूट जाए। He's right. रिश्तों की मजबूती यहां से बनती है, और इसके दिल में तुम्हारे लिए आज भी उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही इज्जत। इसलिए ये यहां आया है तुम्हारे पास। नो हारिस, तुम साकिब की बातों में आ रहे हो। मैं इसको अच्छे से जानती हूं और मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली। मेरी बहन बहुत सख्त नाराज है तुमसे, लगता है। जानता हूं मैं। चलो आओ, एनीवेयर, लेट्स हैव अ सीट। आओ बेटा, आ जाओ। ये मेरी दो गोतनिया हैं। बेटा बाजी, कोई बेमानी नहीं चलेगी। मेरी ये खुली हुई गोट थी और ये मैंने इंतजार में रखी है। मेरी ना तुम पे कड़ी नजर है, बिल्कुल भी बेमानी मत करना तुम। पड़ी, अफसोस की बात है, मैं तो शर्म आ रही है मुझे। तुम आज तक भी ना लूडो में बेमानी करती हो। इट नॉट फेयर। ओह, ज्यादा टेढ़े मेढ़े मुंह करके अंग्रेजी के भरम में मुझे मत लेना, समझे तुम? तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां ना मैंने पूरी की है और मैं बड़ी हूँ तुम्हारी। कर ली ना मेरी गैर मौजूदगी में, अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब से मैं ही घर का बड़ा हूँ, मैं ही सरबरा हूँ, बस याद रख लो दोनों। अरे वाह, ऐसे मुंह से बड़ा कहने से ना बड़े बड़े नहीं हो जाते। बड़ा बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समझ आई तुम्हें? और यहाँ मैंने ना बंगलों में सफाइयाँ करके बर्तन धो के अपने आप को और उल्फत को पाला है, समझ आई? आए बड़े बड़े। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल ठीक है, बाजी ने ना बहुत मेहनत की है। हाँ तो मानता हूँ कि ये मेहनत, क्या हो गया, कभी कभार छोटों के ऊपर मजबूरी आ जाती है ऐसी। अब आ गया हूँ ना मैं, सब सही हो जाएगा। चलो भाई उल्फत, एक मसला तो हमारा हल हुआ। खैर से अब हमारा भाई इस घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, अब हम सुकून से बैठ के खाएंगे। ओ बड़ी छोटी बात सुन लो, मेरा मतलब ये थोड़ी था, मेरा मतलब ये कि मैं आ गया हूँ ना, तो अब तुम दोनों मिलकर ना घर का बाहर का सारा काम संभालो, मैं घर संभालूंगा, रखवाली करूंगा घर की। हैं भाई, इसका मतलब तुम कोई काम नहीं करोगे? ओ छोटी, पागल हो गई क्या? रखवाली कोई काम नहीं घर का? अबे बहुत बड़ा काम है, तेरी सोच होगी। क्यों, घर गए भागा जा रहे जो तुम रखवाली करोगे इसकी? अच्छा देखो भाई बड़ी, जो भी हो तुम भी समझ लो छोटी, मैंने ना फैसला कर लिया, यही काम चुना है मैंने, यही करूंगा बस। अरे मेरे भाई, तू इस घर का वाहिद इकलौता मर्द है, अगर तू ऐसी हरकतें करेगा तो इस घर की दाल रोटी कैसे चलेगी? हाँ बताओ बताओ। तुम्हारी और उल्फत की कैटरिंग से। भाई आपको कैसे पता चला हमारी कैटरिंग बिजनेस के काम का? सब पता होता है मुझे, खबरी बताते मेरे लड़के। अरे तूने छुप छुपा के शादी कर ली और तेरे लड़के भी है, तूने मैं बताया तक नहीं। अबे बड़ी, तू ना सिर्फ नाम की बड़ी है बस, वैसे तेरे में कोई बड़ो वाली बात नहीं है। ओ लड़के मतलब वो जो मेरे पास काम करते हैं ना, काम वाले लड़के, सारी खबरें लाके देते मुझे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओ
अच्छा अच्छा। ओए मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, एक काम करो जाओ भाई के लिए हलवा बना कर लाओ। अरे बात सुन, चीनी नहीं है घर में, अगर हलवा खाने का इतना ही शौक है ना तो यहाँ से उठो और जाके चीनी लेकर आ। नहीं बड़ी, एक काम कर छोड़ अभी हलवे को, कौन जाएगा दुकान के ऊपर। एक काम कर, जब चीनी आ जाएगी ना तब हलवा बना के लाना और तू मुझे ला के देना, बस गेम खेलो। ये मेरी एक वोट अंदर कैसे चली गई? अरे ओ बेमान, अरे जाओ तुम लोग, एक नंबर के बेमान, मुझे खेलना ही नहीं तुम लोगों के साथ, चोर उचक्के। हार गई, जाओ निकलो यहाँ से। अम्मा भी अम्मा भी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं? हाँ, अब नाराज ना हूं तो और क्या हूं। शमीम का एक्सीडेंट हुआ और तुमने ये गवारा नहीं किया कि मां को बता तो दो, खुद उठ के चले गए। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? वो तो तुम्हारे अब्बा मियां आए हैं तो मुझे पता चला कि बेचारे शमीम को साथ क्या हुआ। अम्मा भी आप ही बताएं मैं क्या करूं। डॉक्टर ने मुझे मना किया कि आपको कोई ऐसी बात ना बताऊं जिससे आपको सदमा पहुंचे, खुदा ना खासा किसी बड़े नुकसान की उम्मीद थी तो मैं और क्या करता। मुझे क्या होना था? तुम्हारा ख्याल है तुम्हारे पीछे कुछ नहीं हुआ क्या? तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी बीवी ने बताया नहीं? जी जी अम्मा भी, मुझे पता है, बड़ा अफसोस हुआ मुझे जो कुछ भी हुआ है उस पे। और ये सब हुआ कैसे, किसने ये सब कुछ किया, ये भी तो जरा रास्ता से पूछो ना तुम। और वो जो दो औरतें थी जो इसकी बड़ी पक्की सहेलियां बन रही थी, उन्होंने क्या कारनामा किया? अम्मा भी आप मुझे सारी बात बताएं, आखिर हुआ क्या था? समझाओ उसको, मगर अब क्या होगा? हाँ मुझे यकीन है इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, बाकी बताओ सब कैसे हैं घर में? ठीक है। हाँ बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह को जो मंजूर था हो गया। हो सुना आप करो, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ये सारी दवाइयाँ लानी है। ठीक है मैं ले आऊंगी। अब पैसे यही है मेरे पास, ये पैसे रखो अपने पास, मेरे पास पैसे हैं। हमारे पास कहाँ से आए? अरे भाई तुम भूल गई बहना, मुझे अजीम डॉलर्स भेजता है, डॉलर्स अमेरिका से, बहुत पैसे हैं मेरे पास। और कभी कभी शमीम भाई भी मुझे जेब खर्च के लिए कुछ पैसे दे देते हैं, काफी कुछ जमा किया हुआ है मैंने, तो तुम फिक्र मत करो। अब सच में तुम जैसी बहन हो ना तो भाई की कभी कभी महसूस नहीं होती। हाँ। मेरा कोई इरादा नहीं अपनी जिंस तब्दील करने का, अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें ना करो। जो है मेरे आता है ब्रह्म व्यक्ति, टेंशन ना ले, और ऐसे डायलॉग ना बोला कर, मुझे रोना आ जाता है। बस अयान तुमने तो डरा ही दिया। डराता नहीं तो और क्या करता, तुम यहाँ सोचो कि तुम खड़ी हो, अंदर आओ देखो खुशियाँ आई हैं, क्या तुम उदास खड़ी हुई हो? हे उदास नहीं हो, बस कुछ सोचे परेशान कर रही है। मैं जानता हूँ मानू, तुम महजबीन की इस न्यूज को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब हो। नहीं नहीं मैं महजबी की न्यूज की वजह से डिस्टर्ब नहीं हूँ, बस मैं परेशान हूँ फिक्रमंद हूँ उसके लिए, ना कि उसकी वजह से। महजबीन के लिए परेशान क्यों? हयान
तुम तो जानते ही हो ऐसी सिचुएशन में मुझे फिक्र हो रही है उसके लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐनी के दिल में महाजबी के लिए नफरत, वो नफरत वैसी ही है जैसी मॉम के दिल में मेरे लिए थी। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, नतीजा क्या निकला? हम अपने औलाद से हाथ धो बैठे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ हो। जो कुछ हमारे साथ हुआ ना, वो तुम्हें अपने दुश्मन के लिए भी तसव्वुर नहीं कर सकता। फिर हारिस भाई और मैजबीन तो अपने हैं ना, उन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन ट्रस्ट मी हमारे हाथ में जो हुआ ना हम उनके लिए करेंगे। जो हमारे साथ हुआ ना हम उनके साथ नहीं होने देंगे। बिलीव मी। अंदर चलूं? क्या हुआ, क्या कर रहा हूँ? वैर फिलहाल तो मुंह भाई बहन के ड्रोने खराटे दे रहा है और चोरों को दावत दे रहा है कि हम तो गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं, आओ आके हमें लूट लो। चलो ऊपर से सारा दिन उसकी पसंद के खाने पकाओ, कैटरिंग का काम भी देखो और तो और रात के खाने की शिफ्ट भी देख लो। देखो माजी, अभी वो उठेगा और चाय पराठा मांगेगा, मुझसे नहीं होगी ये ड्यूटी, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। करना क्या, मैं भी देखना एक एक सामान खाने पीने का सब छुपा दूंगी और बोलूंगी है ही नहीं कुछ भी। जाओ। वाह, जैसे तुम्हारी बात का यकीन कर लेगा ना मैं। देखो अब तो उसको करना पड़ेगा मेरी सारी बात का यकीन। मनोज ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, सारा दिन ठूसता रहता है बस। याद करती रहती थी ना, मेरा मैं कब आएगा, मेरा मैं कब आएगा। लो आ गया निकम्मा, भुगते आप उसे। मुझे क्या पता था कि अब ये जेल से आएगा तो बिल्कुल निकम्मा नालायक होके आएगा। देखता मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी। अच्छा ठीक है ना, करवा लेना, लेकिन अभी उठो इससे पहले उमेर भाई उठ जाए, अपने खाने की फरमाइश करते सोने चलते हैं। भाई तो अच्छा चलो चलो सुन के सो जाए भाई। जारा। क्या हुआ शिव भाई, कुछ चाहिए आपको? वो पानी चाहिए था। तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैंने तो होते ही भाइयों की खिदमत के लिए। माजरत बहुत तंग करता हूँ ना। नहीं शमीम भाई, इसमें तंग करने की क्या बात है, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। तंग नहीं कर रहा लेकिन फिर भी बोझ तो हूं ना। शबीम भाई खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करें। क्या हो गया शमीम? आप कब से अपने आप को बोझ समझना शुरू हो गए? यह हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता था। अच्छा फर्ज करें अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ होता तो क्या मुझे भी आप बोझ समझते? जहाना बिल्कुल ठीक कह रही है, आइंदा ऐसा मत सोचिएगा। अब आप दोनों यहां हैं तो मुझे शमी में आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं इजाजत लेना चाहती हूँ आपसे। इजाजत किस चीज की? मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? पर क्यों और कैसी जॉब? ये कैसे हो सकता है? उस नारा तुम जॉब कैसे कर सकती हो? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं जॉब कर सकती?
मेरे सर पे क्या सींग निकले हुए? घर के माली हालात हम सबके सामने ही हैं। अब ऐसे में अगर मैं शमीम भाई का थोड़ा सा हाथ बटा दूं तो इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी मेरी पसंद की जॉब मिल रही है मुझे सलोन पे, मेकअप सीख भी लूंगी और मेकअप करने का शौक भी मुझे बहुत है, तो मजा आएगा मुझे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। मेरी परेशानी और मैं अपनी परेशानी को खुद देख लूंगा। ठीक है शमीम भाई, फिर मुझे इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। सुनारा, बात तो सुनो। तुम जानती हो मैंने तुम्हें और अपनी बेटियों में कभी फर्क महसूस नहीं किया, तो जब उन्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दी तो तुम्हें कैसे दे सकते? शमीम भाई, वो मुझसे उम्र में छोटी थी, मैं समझदार हूँ, बड़ी हूँ, और फिर हालात भी तो देखें ना आप। देखिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, बस मैं तब तक जॉब करूंगी, जैसे आप ठीक होंगे मैं जॉब छोड़ दूंगी। और वैसे भी मैं इतनी काम चोर हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम तक तो काम कर ही नहीं सकती मैं। मेरे ख्याल से शमीम सनारा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब देखिए ना, इस वक्त घर चलाने के लिए हम में से किसी को तो जॉब करना जरूरी है। प्लीज शमीम भाई, मान जाए ना। देखिए, मैंने अजीम से भी पूछ लिया है, उसको भी कोई एतराज नहीं है मेरे काम करने पे। अच्छा, ठीक है, फिर अगर तुम्हारे शोहर को एतराज नहीं है तो मैं भी इजाजत दे देता हूं, लेकिन लेकिन एक शर्त है, सिर्फ उस वक्त तक जॉब कर सकती हूँ जब तक मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाऊं। बिल्कुल बेफिक्र है, मैं इतनी कामचोर हूँ कि मेरा खुद ही जॉब से जल्दी दिल भर जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, मजा आएगा। सोचो उनका क्या होगा निंगा तो मेकअप। इसी बात में जबरदस्ती चाय बना के लाते हैं आपके लिए, इससे अच्छी चाय बनाओगी देखिएगा। सूरज कहाँ से निकला है? देख लो क्या वाला, देख लो। ये सब आपकी मोहब्बत में, वरना इतनी काबिली का है? अपनी जॉब की मोहब्बत में। मैं देख कर रहा हूँ कुछ उल्टा ना कर दे। कभी तो तुमको याद आएंगी वो बारे वो समा आ आ, कभी इन्हीं गनी दख के नीचे मिले थे हम तुम जा जा आ आजा। भाई क्या हो गया तुम्हें? सोनिया की याद आ रही है क्या? सिर्फ सोनिया नहीं बल्कि उनके साथ की गई सारी मुलाकातें भी तो याद आ रही होंगी हमारे भाई को। वो बड़ी वो छोटी सिर्फ मुझे ही नहीं, उसे भी याद आ रही होगी मेरी, हंसो मत। खैर मेरे भाई, ये बात तो तुम रहने ही दो, अगर उसको इतनी तुम्हारी याद आ रही होती ना तो वो कभी भी ये घर छोड़कर फरार ना होती, यहाँ रहती मिलजुल के हमारे साथ। हाँ तो क्या हो गया, फरार हो गई तो क्या हो गया, आ जाएगी फिर। मेरा प्यारा भाई, दोनों माँ बेटियाँ ना रातों रात समान समेत गोल हो गई गोल। और भैया यहाँ पर आएंगी भी किसके लिए? हीरो तो उनका है नहीं, यहाँ तो बैठा है विनर। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बाजी, भाई दो अपने आप को बदमाश बना के रखा हुआ है। ओ छोटी तू सुन और बड़ी तू भी सुन ले, शरीफों का दौर है नहीं, बदमाशों का ना टेक क्या चलता है यहाँ पे, तुझे पता ही नहीं है क्या हो गया शराबत से। और हाँ, जहाँ तक बात है ना उसके जाने की, चली गई थी ना, मैं चला गया था, मैं आ गया हूँ, वो भी आ जाएगी देख लेना। बिल्ली के खाब में छींटे।
दोबारे वो समा जा जा गा, तू भी गा। देखो जरा 9 बज गए और ये लड़की अभी तक सोई हुई है। सोनिया तुम अभी तक ऐसे बिहेव करती हो जैसे 10 साल की बच्ची हो। उठो स्कूल जाना है। मम्मी सोने देना। अरे स्कूल के लिए लेट हो जाओगी, अभी भी सो रही हो, 9 बज गए। मम्मी मैं लेट नहीं होंगी, मुझे जाना ही नहीं है। है क्यों नहीं जाना है भाई? मम्मी मैं स्टफ रूटीन से थक गई हूँ, पहले स्कूल जाओ फिर घर पे आके ट्यूशन पढ़ाओ। बच्चों के चेचे ने सर पका दिया है मेरा। ना शुक्री की बातें मत किया करो सोनिया, ये बच्चों की चैं चैं से ही ना हमारे घर का दाल दलिया चल रहा है। अम्मी मैं ना शुक्री नहीं कर रही, सारे महीने काम करो चंद हजारे आते हैं हाथ में। ठीक है तुम आराम कर लो, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। पहले भी तो मैं तुम्हें पाल रही थी ना, अभी भी मैं नौकरी करूंगी और तुम्हें पाल लूंगी, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल काम नहीं। अरे अम्मी बैठे ना, आप तो नाराज ही हो गई, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है। मैं तो बस एक दिन का आराम मांग रही हूँ। देखो सोनिया तुम इस महीने में 4 छुट्टियां पहले ही कर चुकी हो, अब ऐसे ही तुम छुट्टियां करती रहोगी तो महीने के आखिर में कट कट आके हमारे हाथ में क्या आएगा। अच्छा भाई जा रही हूँ। चलो मेरी प्यारी सी बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ना मजेदार सा पराठा बनाती हूँ, ठीक है? अंडा भी बनाई? हाँ बना दूंगी, चलो चलो शाबाश। हारिस? ऑफ कोर्स हारिस, और कौन हो सकता है? सरप्राइज हुई। ये क्या है? गिफ्ट है। हारिस तो बहुत प्यारा है। आपसे ज्यादा नहीं है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब क्या जरूरत थी? अरे आप मुझे इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हैं और मैं आपको छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकता, और ये गिफ्ट तो उस खुशी के सामने कुछ भी नहीं। अच्छा चलें अब मुझे ये ट्राई करके दिखाएं, ये कैसे निकलेगा? ये ट्राई करके, ये हाथ के लिए नहीं है, गले की चेन है, नेकलेस है। नो सॉरी। को बंद कैसे करते हैं? ओके कैसे लग रहा है? कैसे? बहुत प्यारी है ना? हाँ अच्छा है ना? बहुत अच्छी है। मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम? नहीं जो भी व्हाटएवर आप चेंज करें मैं आते। चलो भाई ये तो हो गया आज का प्रॉफिट। ये बताओ कल और परसों जो ऑर्डर लिया था उसका प्रॉफिट कहाँ है, माल कहाँ है? उसका ना तुम्हें चिकन ब्रोस बना के खिला दिया था, और वैसे भी हमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। देखो भाई तुम आज के पैसे दे दो ताकि हम कल का ऑर्डर पूरा कर सकें। अजय पूरा कर सके? एक बात बताओ ब्रोस ला के एहसान कर रहे हो, भाई के ऊपर ताना मार रहे हो, और तुम ये काम क्यों करते हो? हल्का फुल्का छोटी मोटी सी चिंदी चोरी मत करो ना, बड़ा हाथ मारो। क्या मतलब बड़ा हाथ मारे? नेटवर्क
नेटवर्क मजबूत कर लो अपने। नेटवर्क? कैसा नेटवर्क? लो भाई, अब कारोबार के गुर भी मैं ही सिखाऊं तुम्हें। किस काम की हो तुम दोनों छोटी बड़ी? अच्छा मैं समझाता हूँ, अब सुनो। यहाँ से निकलो, घर से बाहर दोनों जाओ, इलाके में घूमो, सर्च करो, लोगों से पूछो, भाई पे मर तो नहीं गए, किसी ने कोई फंसा ली, चक्कर वक्कर, शादी मायो निकाह कुछ भी हो ना, उनसे बात कर लो, तुम्हें ऑर्डर भी देंगे, तुम्हारी पब्लिसिटी भी हो जाएगी, और भाई के पास पैसा आ जाएगा, इतना नहीं बहुत सारा। परफेक्ट, कितना जबरदस्त आइडिया लाया है हमारा भाई। ओ भाई तुम्हारे आइडिया तुम्हीं को मुबारक, हम जिस तरह ऑनलाइन कर रहे हैं ना काम, हमें ऐसे ही करने दो, फिलहाल ये निकालो पैसे इधर दो, लाओ। हाँ भाई पैसे दो, बल्कि एक काम करो, इन्हीं पैसों से ना तुम कल के ऑर्डर की चीजें ले आओ। नहीं रुको, मतलब शक कर रही हो भाई के ऊपर? शक कर रही हो नियत पे? हाँ ना। देखो पहले ना कंफर्म कर लो, कंफ्यूजन हटा लो अपनी, हाँ या ना। बात सुनो, तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ मैं शक कर रही हूँ, लाओ पैसे दो हमारे। अरे हम अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें ऐसे ही खाने देंगे? मुझ पर शक कर रहे हो? मकसद तुम्हारा पैसा मेरे लिए हराम है, मैं बहन के पैसों को हाथ लगाऊंगा, मर नहीं जाऊं, खाऊंगा मैं वो पैसे। अजीब बातें कर रहे हो यार, तुम्हें पैसे चाहिए? पक्का है ना? ठीक है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये पैसे मैं अपने पास रखूंगा, महफूज वो काम पे। उमेर इससे ज्यादा ना महफूज जगह कोई नहीं, पड़े हुए पैसे तुम्हारी अमानत है, हाथ लगाए ना मर जाऊं, काफिर की मौत मरूंगा। अब तुम जाओ, एक काम करो, चाय बना के लाओ छोटी। ओ मुंजी जाओ चाय बनाओ, और बड़ी जाओ बिस्किट और वो क्या आते हैं निमको लेकर आओ। अबे ओ निकम्मे इंसान, कोई बिस्किट नहीं, कोई निमको नहीं, वो महफूज नहीं है, वहाँ गैर महफूज है, दो निकालो पैसे। जा तुम सब उसे लेके आओ, चलो चलो चलो। तेरे ये करने से कुछ नहीं होगा, निकाल हमारे पैसे हमें दे, बेशरम ना हो तो, तनी कहाँ से मुसीबत दोबारा आ गई। बर्तन मांझ मांझ के सारे हाथ खराब हो गए, मजा ले ये बुढ़िया किसी काम को हाथ लगाए तो। है जहां रहा का फोन? हेलो, हाँ बोलो क्या हुआ? अरे वाह, ना सलाम ना दुआ, सीधा क्या हुआ? देखो भाई सच्ची सी बात यह कि जब दिलों में गुंजाइश ना रहे ना तो सलाम दुआ करने को भी दिल नहीं चाहता, बात फॉर्मेलिटी की नहीं होती, इखलाक की होती। खैर तुम क्या जानो इखलाक क्या होता? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि कासिम और साबिर भाई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो शमीम ने मुझे कहा कि मैं खैरियत के लिए फ़ोन कर लूँ कि ये लोग खैर से पहुँच गए हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, जो बोझ तुमने अपना उतार कर यहाँ भेजा है ना, वो खैरियत से यहाँ पहुँच गया। क्या क्या मतलब बोझ? देखो जहाँ मेरे सामने ना नन्नी काकी बनने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे तुम्हें पता ही ना चल रहा हो कि मैं कौन से बोझ की बात कर रही। अरे चार दिन तो अब्बा मियाँ को तुम लोग अपने पास रख नहीं सके। बात सुनो, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गए, हमने जबरदस्ती तुम पे बोझ बना के नहीं भेजा है, चाहो तो अपने मियाँ से पूछ लो। यही तो मेरी बदकिस्मती है कि मेरा शोहर मेरा होकर भी मेरा नहीं है, साइड तो वो हमेशा तुम ही लोगों की लेता है। हाय हाय हाय, रस्सी जल गई पर बल ना गया। इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो चुका और मजीद हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें अकल ना आके दे रही है। अब आई हो ना असल मुद्दे पर। अब मुझे पता चला कि ये कॉल करने का मकसद मेरे जले पर नमक छिड़कना था और कुछ भी नहीं। हाय हाय, गलती मेरी है भाई, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम वही राजदा हो कि जिसको सोने की प्लेट में भी अगर मरम रख के दे दो ना तो वो उसमें से भी कीड़े निकालेगी। हाँ हाँ, तो जरूरत क्या थी कॉल करने की, बंद करो फोन। अतनी क्या समझती खुद को, चलाक गुन्नी नीसनी।
5000 का बिल? जी 5000 का बिल, और वो भी मोहतरमा आपकी वजह से। मेरी वजह से कैसे? आधा दिन तो मैं घर में होती नहीं हूँ, और आधा दिन जो मैं घर में होती हूँ तो मेरी तो मोबाइल से जान नहीं छोड़ती। अब आप ये मत कहिएगा कि मेरा मोबाइल बिजली से चलता है। बिजली से चलता नहीं है, लेकिन ये जो तुम आते जाते इतना बिजली का ज़िया करती हो ना, इस वजह से आया ये बिल। कितना समझाती हूँ मैं तुम्हें कि जब भी कमरे से निकलो तो लाइट पंखा ऑफ करके निकलो, लेकिन तुम्हारे कान पे तो जूई नहीं रही थी। अब ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी ही बात है। खैर अब ये जल्दी से ना बिल जमा करवा दो। ओहो, इस बिल की तो लास्ट डेट कल है, और मेरे पास तो भी पैसे भी खत्म हो गए। अम्मी मुझे पता था तुम ऐसी ही कोई बात कहोगी। खैर ये लो 5000 रुपए, और कल याद से बिजली का बिल जमा करा। ये पैसे ये कहाँ से आए आपके पास? अब कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, इन सब बातों को छोड़ दो। तुम्हारी माँ हूँ मैं, सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ, समझे? जी समझ गई अम्मी, थैंक यू। अब ख्याल कर लो, इतना बिजली का बिल तुमने मेरे ऊपर चढ़ा दिया। कोई बात नहीं, भर देंगे। हाय हाय, क्या करूँ। अरे है, घर में कुछ है भी नहीं, क्या पकाऊं क्या खाऊं, अकेली जान हूं। भाई पानी भी खुद भर के लाना होता है, खाना पकाना भी खुद करना होता है, अब खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे जब तक कुछ काम ना करो खाने को नहीं मिलेगा। अरे मैं क्या करूं, अजीब किस्मत है मेरी। एक नवासी है, वो भी छोड़ के चली गई मुझे। भाई उसकी को फ़ोन करती हूँ, कमबख्त आ जा, अपनी नानी का ख्याल कर। वो तो अपने ऐशों में गुजारा कर रही होगी, मैं यहाँ मुश्किल में पड़ी हुई। हेलो हेलो, है एक फोन ही तो था मेरे पास, वो भी कह रहा नो रिचल नो रिचल। हाँ दफा हो तुम्हारे, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, किससे मांगू जाके। एक गई थी दिखातन बन के, लेकिन वहाँ भी मेरे नसीब खराब हो गए। अब क्या करूँ, चलो कुछ तो देखती हूँ पकाने के लिए। है भी नहीं कुछ पकाने के लिए, अल्लाह कहीं से कुछ गिर जाए। अकेले जान कहाँ कुछ कर सकती है खाने के लिए। ऐसी थोड़ी सी दाल पड़ी है, उसी को पका लेती। क्या हुआ, देखा तुमने? अरे भाई बाहर नहीं है। शुक्र है। अच्छा मैं तुम पार्सल ला के देती हूँ, आओ सुनो जरा ध्यान से। भाजी तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं पहली दफा जा रही हूँ डिलीवरी करने। वो ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ जरा उमेर से बच बचा के, और कोई बात नहीं है। क्या तुम जाओगी पार्सल लाओगी तभी तो मैं जाऊंगी ना। हाँ हाँ ला जाओ। अच्छा सुनो, तुमने ना ये अच्छा आइडिया रखा है, उमेर भाई की गैर मौजूदगी में हम डिलीवरी देकर आ जाएंगे, और इस तरीके से हमारे पैसे भी उनसे बच जाएंगे। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। असल में उमेर इतना लापरवाह है कि मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। तुम रुको मैं पार्सल लेके आती हूँ। ये पकड़ो और ध्यान से ये जहन में रखना कि कहीं उमेर। उमेर भाई आप तो बाहर काम से गए थे ना? हाँ गया हुआ था, फौरन धड़ल्ले से वापस आ गया, सोचा वो पार्सल देने का टाइम हो गया ना। तो उमेर तुम अपने कामों पे ध्यान दो ना, ये काम तो ये भी कर लेगी। ऐसी बातें कर रही हो यार, तुम दोनों बहनें हो मेरी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। उमेर भाई आप कैसे जाएंगे वहाँ पर, आपको तो रास्तों का भी नहीं पता, और ना ये पार्सल ना दूर का है। अरे क्या हो गया, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो, बच्चा समझा हुआ मुझे, यहाँ का ना चप्पा चप्पा मालूम है मुझे, मुझे तुम लोग क्या बताओगी। और हाँ ये गूगल चाचा है ना इसमें,
ये मदद करेंगे। लाओ शॉपर बुक दो दो दो। लेकिन उमैर बिना वजह मेरे भाई तुम खुद को थका रहे हो, ये कर लेती है। क्या बात कर रही हो बेटा, क्यों थक जाऊंगा, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी ना तुम दोनों की। अब कम से कम ये वाली जिम्मेदारी तो मैं ले ही सकता हूं। टेंशन ना लो, बस एक काम करो, मेहनत से दिल ना चुराना, घबराओ मत, मेहनत में अजमत है। हाँ से आ गया ये मुन, मेहनत में अजमत है। अम्मी खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। खाना तो बेटा मैंने बनाया नहीं, तुम ऐसा करो कि जो भी खाना है ना बाहर से ऑर्डर कर लो। क्या मतलब आपने खाना नहीं बनाया, आप तो काफी देर से किचन में थी ना। तो किचन में होने का मतलब थोड़ी कि मैं खाना ही बना रही हूं। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने तो अब्बा मियां और अम्मा भी को भी कह दिया, वो लोग भी आ रहे होंगे खाने के लिए। तो बेटा ये तुम्हारा मसला, मैंने तो नहीं कहा था ना उन्हें दावत देने के लिए। क्योंकि